हर एक खबर को सबसे पहले जानने के लिए फेसबुक पर वॉइस ऑफ पानीपत को फॉलो और साथ ही लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना ऑपोजिट पुलिस लाइन NH1 GT रोड पानीपत और कॉल करें 9500021। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के महावीर कॉलोनी से देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पानीपत के महावीर कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था, उस परिवार की वीडियो फुटेज आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे वायरल जरूर करें, क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है पुलिस की जांच से। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी को लेकर ये परिवार आज इकट्ठा हुआ है। इनका ये कहना है कि कुछ दिन पहले जो सोनू की हत्या हुई है उसमें पुलिस ने सही जाँच नहीं की और जो असली दोषी हैं पुलिस ने उसे निकाल दिया है। उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, सोनू जो इसी का काम करता था, महावीर कॉलोनी का रहने वाला था। तो हम लोग इनके परिवार के पास पहुँचे हैं, इनके पुलिस की जांच को लेकर ये संतुष्ट नहीं थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें। सोनू इसी का काम करता था और उसका असली नाम जो है मनप्रीत था। वैसे पानीपत पर आपने कुछ दिन पहले वो फुटेज भी देखी थी, हमने फुटेज में CCTV फुटेज में दिखाया था कि कैसे जो युवक है उसको मारा गया था। 3-4 लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या की थी। तो इस परिवार के पास हम लोग पहुँचे हैं, तो पहले उनके जो चाचा जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों ऐसी जी उस दिन थोड़ा दसो जरा। वो दिन लड़ाई झगड़े थे, इन्होंने इन्हों मारिया मुरिया सी मुंडिया, उन्होंने बंजीतरी बंदे आ गए सन, ना जनानियाँ भी सन, तो ईटा तो डांगा डूंगा भी सन उन्होंने को, राड़ा भी सन उन्होंने, इन्होंने मुंडिया भी मारिया ने, अच्छे मुंडे फटर हुए ने। उदू बाद चौखे बंदे सन, थोड़े जने भज पे ने, उदू बाद हड़े मुंडे मार कुट के उत्थे पुरानी यूनियन सुट गए ने जी, तो 13-14 ना राड़ा रूड़ा भी मारिया ने, तो उत्थे पिया रहा है सारी रात, उत्थे पिया रहा जी। तो मनप्रीत है ना, तो मार के उत्थे सुट गए सन। उन्होंने किन्ने लोग है सी और अजय किन्ने फड़े गए ने, और कि कसूर है जिन्होंने तुझे फड़वाना चाहते हो? दीपक है जी, तो एक होगा उनका नाम की है गुग्गा है जी, वो तो मेन बंदे ने, वो ही बाहर है गए जी, तो बाकी एक दो पता नहीं, एक पकड़े ने कि दो पकड़े ने, गुग्गा तो जरा होगा दीपक, वो मेन बंदे है वो बाहर है, वो नहीं पकड़े गए जी। साड़ी प्रदर्शन के होगी है कि उन्होंने जरूर पकड़ा जाए। अच्छा, किन्ने लोग पकड़े गए ने, तो की कोई दुश्मनी है किसी सोनू की उन्होंने? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं सी साड़ी जी। अच्छा, VCR का मुंडा काम करता जी, हम दुकान चो कट के इन्होंने मारना शुरू कर दिता जाए। उदू बाद बेचारे भज पुदर रहा, उन्होंने मार मार के रड़ा मार दिता ने, तो बाकी हम जो मेन बंदे ने उन्होंने होएगी। उस दिन प्रत्यक्ष दर्शी जो थे वो भी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप थे उस दिन, की हुआ उस दिन, थोड़ा थोड़ा खुल के दसो की हुआ सारा? दो बंदे एक्टिवा ते आंदे ने, दो आन तो बाद जी इन्हां दी कोई गलबात हुई, तो अपना एक अद्धा थप्पड़ थुप्पड़ उन्होंने ही मारे, इन्होंने मारिया, तो अपना भज गए। भजन तो बाद जी 5-7 मुंडे आए एक्टिवा ते, एक एक्टिवा ते 3 बंदे सीगे, 2 पिछे पिछे मगर भजे आन डे सीगे, तो उत्थे हत्ता पाई हुई जी, 20-25 मुंडे होर आ गए, तो 7-8 जनानियां सीगियां, जनानियां ने भी वार किए ने, इट्टां मारियां ने, ए पिछे मुंडे थोड़े खलोते ने जी, उन्होंने इट्टां मारियां ने, सारा मारिया, तो भज्जे ते जी इहनू सोनू नू मनप्रीत जिहड़ा हैगा इहनू जी उत्थे ट्रक यूनियन घेर लिता, घेरन तो बाद जी उहनू बहुत बेरहमी नाल मारिया हैगा। तो मेन बंदे जिहड़े जिन्हां दा हैगा जी षड्यंत्र रचिया है सारा जी, गुग्गा है तो एक दीपक हैगा जी। असी जी हाथ जोड़ के बेनती हैगी, असी कहने ज़्यादा तो ज़्यादा उन्होंने सज़ा मिले, तो गिरफ्तार होन, इंसाफ चाहिए जी सानू, होर कुछ नहीं। चक्कर जी दुश्मनी का, वह तो देखो जी बंद भरा बैठा, इन्हू पता है कि गल हुई सी एक्टिवा की, जी गल हुई इन्हों, वो तो जी उन्होंने पता है। मैंने तो जी मेरे सामने मौके पर गल हुई तो जी उन्होंने आंदे ही मारना शुरू करता, कि पता नहीं किन्नी साल पुरानी दुश्मनी होने, तो सह भी नहीं लिता। तो एक शिवा का मुंडा सगा जी टीना, उन्होंने बेरहमी ना मारिया, ए पिछे खड़ा जी जतेंद्र मालपुर का, इनू मारिया, इन्हों मैं छड़ाया, ए बैठा जी इनू मैं छड़ाया, गंगो का रहने वाला है,
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਅਮਿਤਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਤੁਹਾਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਛੁਟਾਇਆ ਭਗਾਇਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਿਤਾ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ जिस दीपक का नाम आ रहा है इस सारे मामले में उसमें ये था कि आप लोगों की शराब को लेकर पहले कोई लड़ाई झगड़ा रहता था और उस दिन भी इसी बात को लेकर आए थे वो नहीं नहीं उस बात को लेकर नहीं आए थे ये इनकी आपस में ये बाथरूम करने के लिए बाहर निकले थे दो बंदे हमारे सोनू और ये जिसका नाम मनप्रीत है और अमित ये दोनों बाहर निकले थे बाथरूम करने के लिए एक्टिवा पे दो बंदे आए गाड़ी क्लोज कर रहे थे कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे उनने बंदे ने रोका कि भाई तू गाड़ी क्लोज क्यों कर रहा है वो कह रहा हम खटिक बस्ती गए हैं ये कर देंगे वो कर देंगे उन्होंने ऐसी बस एक थप्पड़ मारा वो भाग गए थे भागते ही उन्होंने भाई सात आठ बंदों को लेके आए आते ही उन्होंने मारना चालू कर दिया कुछ नहीं देखा भाई किसको क्या मार रहे हैं कौन किसका रोल है कुछ नहीं देखा बस मारते ही चले गए फिर वहाँ से मैं जान बचा के भागा अपनी बस उसके बाद दो तीन बंदे फंसे जिनके चोटें लगी हैं ये बात हुई थी और हमारी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी जो मेरा रोला था उसमें हमारा फैसला हो चुका था एक बंदे के साथ आसिफ अहमद था उससे हमारा फैसला हो गया था और कोई रोला नहीं था ये तो बात उठाई जा रही है जान के भाई इसका रोला था मेन मुद्दा ये ले रहे हैं जान के ये बात है जी बस तो सोनू फिर कैसे उनकी हत्या चढ़ गया ये तो ना उनकी दुश्मनी थी ना कुछ था सोनू इसलिए भाई ये बात हुई उनका मैटर ये था कि भाई वो गाली गलौज देते जा रहे थे दो एक्टिवा बंदे उनका आपस में भाई गाली गलौज के ऊपर ये मैटर हुआ है रोड़ा हुआ है थप्पड़ चट्टू हुए थे जिससे वो चले गए भागे और बाद में वो बुला के लाए हैं खटीक बस्ती में से बंदे जिस कारण ये रोड़ा ज़्यादा मैटर बढ़ गया है अजय किन्ने पकड़े गए ने और किन्ने लोग अजय बाहर गए ने हले तो कह रहे जी कि चार फटे गए ने बाकी जो मेन है वो तो बाहर ही ने गुग्गा दीपक बाहर ने बाकी जो भैन भूण आई हैं लेडीज सगिया माँ भैन जड़िया वो सारिया बाहर ने ਗੁੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਗੁੱਗਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੀਪਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈਆ ਕਰਦਾ ਪੇਟੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦਾਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਸੋਨੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁੱਟਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੋਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚੋਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾੜਾ ਰੂੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ 13-14 ਰਾੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ 13-14 ਰਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਹੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਸੋਨੂੰ ਸੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਥਾ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਿਨ आप थे मौके पर उस दिन बताओ सारा क्या हुआ था उस दिन उस रात जी हम जैसे के अंदर बैठे हुए थे और जैसे के बाहर आए थे जी तो अपना उस पर काम कर रहे थे अपने जी काम करके आए थे तो हम जैसे के बाहर निकले ना जी बाहर निकलते के साथ उन्होंने वारदात कर दी जी हमारे साथ हमने तो इस चीज़ का नोटिस नहीं मिला था जी रोड़ा होना है क्या बात है क्या नहीं है जी तो हम अपना लॉक करके दुकान का उसका लॉक लगा के यार अपना बाहर घर पे जाने के लिए तैयार थे जी तो हमारे को तो पीछे से हमला हुआ जी हमारे पे तो हम तो छुटवाने में जैसे कि मनप्रीत को पीट रहे थे तो हम तो छुटवाने के लिए गए ना जैसे कि वो उसने मेरे को भी पीछे से दाब दिया तो हमारे को भी मारपीट हुई जी हमारे साथ तो जो दर्शक अभी भी जुड़े हुए बता दें कि मामला जो था महावीर कॉलोनी का ये बता रहे थे जब एक युवक का शव मिला था सुबह और उसकी हत्या की गई थी सुबह जो सीसीटीवी फुटेज आई थी उसके आधार पर पुलिस ने छानबीन कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया था चार लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है लेकिन इनका ये कहना है कि अभी जो मुख्य आरोपी हैं वो बाहर हैं तो
तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल जरूर करें ताकि उन जो आरोप लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोरी रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। जी जी आई नई डगर, सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। अरमां है जितने भी सारे पूरे होने यही है। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge sare sapne.